हेलो वेलकम टू डॉ नाइट एरो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आप जब अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से मिले थे अब मतलब कि जब भी आप इस पर्सन से लास्ट टाइम कनेक्ट हुए थे मिले थे मीटअप किया था या तो आप लोग की लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी कम्युनिकेशन जो हुई थी उस टाइम इस पर्सन की फीलिंग्स क्या थी आपके लिए ये पर्सन क्या फील कर रहा था उस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर ठीक है देखते हैं दे आर फीलिंग्स फॉर यू वैन यू मीट दैम

आपके पर्सन ने जब से जब भी लास्ट टाइम आपसे कन्वर्जेशन करी बात करी आपसे मिले तो लास्ट वो जो आप लोगों की कन्वर्जेशन का टाइम था या मीटअप का टाइम था आप जब लास्ट आपकी इस पर्सन से बातचीत हो रही थी आप, मिल, आप मिले मिलकर आए थे या जिस टाइम आप इससे मिले थे उस टाइम ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा था इस पर्सन की फीलिंग्स किस तरीके की थी आपको लेकर मेडिटेट करें अपने पर्सन को आपके पर्सन की फीलिंग्स लास्ट मोमेंट जो भी आप दोनों के बीच गुजरा उस टाइम ये पर्सन क्या फील कर रहा था आपको लेकर ये पर्सन उस टाइम क्या फील कर रहा था लेट्स सी टू ऑफ पैंटिकल जगल कर रहा था अपने अंदर ही अंदर अपने मन में ठीक है बहुत सी चीज़ें जगल कर रहा था ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि जगलिंग एनर्जी में था आपको और किसी और चीज़ को जगल कर रहा था कुछ कंफ्यूज था ठीक है फीलिंग्स में कुछ कंफ्यूजन थी जब भी आप लोग आप लोग का लास्ट मोमेंट आप लोग एक साथ थे या आप लोग एक साथ कन्वर्जेशन कर रहे थे तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी इस पर्सन के माइंड में उस मोमेंट में ठीक है नाइट ऑफ पैंटिकल ये पर्सन मतलब के इस पर्सन को उस टाइम इस बात का अंदाज़ा था स्लोली बट शोली ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी इस रिलेशनशिप से इस चीज़ के आपसे बात कर कर चांसेस लग रहे थे कि सिचुएशन सॉल्व हो सकती है इसका कोई इसका कोई जैसे सॉल्यूशन मिल सकता है इस इस सिचुएशन का जो आप दोनों के बीच चल रही थी ठीक है ये पर्सन बहुत ज्यादा पेजेस के एनर्जी में बात कर रहा था बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉक नहीं हुई है आप लोगों की बहुत ज्यादा एग्रेसिव टॉक नहीं हुई है आप लोगों की बस ऐसे बातें हो रही थी जैसे बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा पेजेस के लेवल पे वांट्स के लेवल पे आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे लेकिन वांट्स के लेवल पे कर रहे थे पेजेस के लेवल पे कर रहे थे बहुत स्लो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लाइट कम्युनिकेशन लेकिन आपके पर्सन आपके पर्सन बहुत ज्यादा कन्फ्यूज थे अंदर से बहुत कन्फ्यूज थे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर कुछ कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा मतलब के कॉन्फ्लिक्ट uh, नहीं कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही थी ठीक है कॉन्फ्लिक्ट होता है आर्ग्यूमेंट की वजह से होता है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे थोड़े से चिड़चिड़े थे थोड़े से एनजाइटी फील हो रही थी उनको अंदर से कन्फ्यूजन लग रही थी उनको कुछ उनको जो फर्दर सेटिस्फैक्शन जो क्लैरिटी और कम्युनिकेशन से मिलनी चाहिए उनको वो मिल नहीं रही थी ठीक है लेकिन इस पर्सन ने कोई एग्रेसिव टॉक नहीं करी कोई आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा बता एग्रेसिव एनर्जी नहीं थी बता पेजस की एनर्जी में कम्युनिकेशन हुई है लेकिन इस पर्सन को लग रहा था स्लोली बट श्योरली ये पर्सन इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकता है जब भी आपसे बात कर रहा था आपकी आप बातों से और अपने आप को लेकर ये सोच रहा था अगर ये थोड़ा सा टाइम दे इस कनेक्शन को या आपसे थोड़ा और बात करें ओपिन कर, जिसमेंटी तो मतलब के, आ, कुछ अनसे चीजें आपने इससे कही उसने पूछी भी नहीं आपसे ठीक है कुछ ऐसी बातें आपने इससे कही उसने खुले अल्फाजों में इसने आपसे पूछी भी नहीं लेकिन आपने कुछ इस पर्सन की जैसे माइंड की एक अः uh, एक ना ठान खोली ठीक है मतलब कि एक एक इसके माइंड में जो एक बहुत ज्यादा एक ब्लॉकेजेस बने हुए थे ना आपने उनको उन ब्लॉकेजेस को सेट uh, किया ठीक है आपने ब्लॉकेजेस खोले ब्लॉकेजेस को आपने रिमूव करा इस पर्सन के माइंड से खुद ब खुद आपने कुछ जवाब ऐसे दिए ऐसे सवाल दिए जो एक पॉजिटिव मूवमेंट लगी ठीक है इस पर्सन को ऐसा लगा हाँ पॉजिटिविटी है यहाँ पर जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ हर किसी का मामला अलग होगा हर किसी की कन्वर्जेशन में अलग होगा लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा मुझे लास्ट टाइम आपसे जब भी आप लोग के बीच जो भी मूवमेंट

अपने आप को ओपन करें ना करें उनको आपसे डर लगता है क्योंकि आपके साथ इस पर्सन का एक ऐसा कनेक्शन है आप ना मतलब कि ये पर, आप इस पर्सन को रीड कर सकते हैं ठीक है थीके? आप इस पर्सन के हर एक्ट को समझ सकते हैं जैसे आप ये पर्सन उस टाइम आपसे बात कर रहा था लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा जैसे जैसे एक अंदर से जो है ना टेंशन में है कोई अंदर इसकी प्रॉब्लम चल रही है खुलकर बात नहीं कर पा रहा क्योंकि अंदर कन्फ्यूजन थी बहुत सी चीज़ों की कन्फ्यूजन थी जिगल कर रहा था अपने अंदर ही अंदर एक जगलिंग एनर्जी थी ठीक है एक बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही थी इस पर्सन के अंदर इसने खुलकर ओपन अप होकर आपसे अपनी बातें नहीं रखी आपके आपसे अपनी मतलब कि आपके साथ ये पर्सन खुलकर कनेक्ट नहीं हो पाया ठीक है खुलकर इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की अपने आपको ही मुझे थोड़ा ऐसा नजर आ रहा है आपका किसी भी तरीके का ऑफर इसने एक्सेप्ट नहीं करा जो भी कम्युनिकेशन हुई आप लोग की जो आप लोग लास्ट कॉल मोमेंट था या तो लास्ट मीटअप था या जब भी आप लोग लास्ट टाइम मिले थे इसने बहुत सी चीजों को आपके डिनाई करा और रिजेक्शन की तरफ मतलब कि आपको रिजेक्टेड फील हुआ इसने आपने बहुत से ऐसे फ्रेंडशिप का ऑफर करा या रिलेशनशिप का ऑफर करा या फर्दर फ्यूचर या शादी का ऑफर करा तो एक कुछ भी एक्सेप्टेंस मतलब कि एक उन सब चीजों को इसने एक्सेप्ट नहीं कर रहा खुद को तो गार्ड कर रहा था ये ठीक है ये पर्सन खुद को एक एक गार्डेड एनर्जी में था दी बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है बहुत ईगोस्टिक हो रहा था आ, मतलब के बाद ईगोस्टिक ये नहीं कि आपके सवालों के इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा था खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था आप इमोशनली क्लोज होना चाह रहे थे तो वो भी नहीं इसने उस चीज को एक्सेप्ट करा होगा आप इमोशनली कोई बात करना चाह रहे होंगे इसके अंदर एक एम्पर लाइक एनर्जी मतलब कि बहुत ज्यादा Uh, अकड़ू एक सड़ियल पर्सन जो बहुत ज्यादा अपने ईगो में रहना पसंद करता है बहुत इगोइस्टिक पर्सन बहुत ज्यादा ईगो कैरी करने वाला आपको लग रहा था जैसे आपको इस पर्सन से लास्ट टाइम बात करके ऐसा लगा होगा ये अपनी ईगो से नहीं हिलेगा ये अपनी इज्जत से नहीं हिलने वाला ठीक है क्योंकि जो कुछ भी आप इस पर्सन को कह रहे थे फ्यूचर के लिए या तो आप इसको समझाना चाह रहे थे ये एक्सेप्ट करने की एनर्जी में ही नहीं था मतलब कि ये आपको बार बार आपको ऐसा जवाब दे रहा था जिससे आप अपसेट हो रहे थे ठीक है जिससे आपको लग रहा था कि नहीं आगे शायद कुछ नहीं हो सकेगा ये कुछ भी कर लो ये पर्सन मतलब कि बैलेंस नहीं लाएगा ठीक है इसने माइंड में अपने तय कर लिया इस चीज को आपके पार्टनर अपने आप में बैलेंस बनाना चाह रहे थे आपके पर्सन को लग रहा था आपके पर्सन खुद एक एक बैलेंस जगह पे हैं आ, वो अपना बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी की भी वजह से ठीक है वो अपने अपने अंदर एक बैलेंस रखना चाह रहे थे जो कि जब भी आपसे मिलते हैं तो थोड़ा सा आउट हो जाता है है ठीक इस पर्सन के इमोशंस बढ़ जाते हैं ठीक है ये पर्सन बहुत ट्रिकर है बहुत शार्प बहुत स्मार्ट बहुत स्मार्ट पर्सन है लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने जो भी आप लोगों के बीच हुआ जो भी बात हुई लास्ट टाइम उसके बाद इस पर्सन ने इस कन्वर्जेशन को लेकर बहुत ज्यादा सोचा Uh, इस मोमेंट को लेकर सोचा जब आप मिले थे जब आप लोग की बात हुई थी लास्ट टाइम बहुत ज्यादा मतलब कि एक डीप सोल सर्चिंग इसको अपने सारे सवालों के काफी हद तक क्वेश्चन के आंसर भी मिले मेंटली क्लैरिटी भी मिली एक पॉजिटिव इसको मतलब कि एक रोशनी इसको लग रहा था कुछ मतलब की अपने अंदर गया डीप डाउन सोल में इसने सर्चिंग करी ठीक है ये क्या कर सकता है क्या हो सकता है इसने चीजों को सर्च करना चाहा इसने चीजों को बैलेंस करना चाहा इसने चीजों को पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहा ठीक है इसने आपके आप उन सब चीजों को लेकर सोचा है hmm ये रिलेशनशिप बहुत स्लो रहा है आपने बहुत वेट करा है इस पर्सन के इस हर्मिट एनर्जी से निकलने का इस डिफेंसिव एनर्जी से निकलने का इस इसकी जिद से बाहर आने का इसको ज़द को छोड़ने का आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा आपने इस चीज़ का वेट करा बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्वेस्ट किया है और एक वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रही आपकी तरफ से एक वेटिंग एनर्जी आपकी तरफ से बनी रही आपने बहुत वेट करा है चीज़ों को सॉल्व होने का चीज़ों को रिजॉल्व करने का मतलब कि आप बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं मेंटली इमोशनली फाइनेंशली बहुत

हिस्सा नहीं बनाया आपने इस पर्सन को हिस्सा जरूर बनाया अपनी हर जगह अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया लेकिन इस पर्सन ने वो सब कुछ नहीं किया ठीक है कहीं ना कहीं आपसे जब इस पर्सन ने बात करी आपकी भी अवेकनिंग होना स्टार्ट हुई हो इस पर्सन की भी

इन्वेस्ट कर सकते हैं आप ठीक है जितना टाइम आप अब तक दे चुके हैं इससे ज्यादा आप कुछ और नहीं कर सकेंगे मतलब कि कुछ अवेकनिंग स्टेज था जब भी आपकी बात हुई इस पर्सन से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी इस रिश्ते को लेकर इसको लेकर बड़े सिंसियर तरीके से आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा मतलब एक आ, आ, बहुत टाइम तक ये सोचते रहे हैं, बहुत दिनों तक सोचते रहे हैं जो भी आपसे बात हुई आपके सारे सवालों के जवाब को लेकर आप लोगों की कन्वर्जेशन को लेकर आप यहाँ पर बहुत बैलेंस कन्वर्जेशन कर रहे थे लेकिन इस पर्सन को भी बैलेंस करने की आपने लास्ट कन्वर्जेशन में कोशिश करी लास्ट मीटअप पे लास्ट आप लोग की जो भी फोन कॉल पर बात हुई आपने बैलेंस करने की कोशिश करी अपनी एक रिजट एनर्जी से अपनी स्टबल एनर्जी से बाहर निकली लेकिन नहीं ठीक है मतलब कि कोई कंक्लूजन नहीं निकला लास्ट कम्युनिकेशन का इस पर्सन की फीलिंग्स में खोई खोई एनर्जी है ठीक है अपने आप को प्रोटेक्ट

जब भी आपकी बात हुई कुछ टाइम बाद इसने मतलब कि कन्जेशन के, uh, के बाद इसने आपकी बातों को एक सीरियस तौर पे लेकर और सोचा है बहुत ज़्यादा डीप डाउन इस इस पर्सन ने अपने आप से सवाल करें कुछ सिचुएशंस को लेकर और आपने यहाँ पर ये यह सोचा आपने बहुत ज़्यादा वेट कर दिया लास्ट कम्युनिकेशन से आपको ये बात अंदाजा हुई ये पर्सन नहीं चेंज होने वाला आपका आप जितना ही टाइम दे देंगे और ही वेस्ट होगा मतलब कि ये पर्सन अपनी बात से नहीं हिलने वाला ये पर्सन अपने 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 जो भी इस के माइंड में स्टक हो चुका है ये पर्सन उससे नहीं हिलेगा कुछ मुझे आपका अवेकनिंग स्टेज लग रहा है लास्ट कन्वर्जेशन से ठीक है लास्ट जो भी हुआ आप दोनों के बीच आप थोड़े से से उस टाइम अवेकन होना स्टार्ट हुए। अभी कुछ टाइम पहले जो लास्ट में आप की कुछ अनकरीब हुई हो दो महीने पहले हुई हो अः एक महीना पहले हुई हो वन मंथ मतलब फिफ्टीन डेज पहले मतलब तो जो भी आपकी लास्ट आपको एक अवेकनिंग वहां से मिलना स्टार्ट हुई आप समझ गए आपका वेट बेकार है और आप यहाँ पर और दस साल भी वेट कर लेंगे ये पर्सन नहीं समझने वाला कुछ अवेकनिंग लग रही है ठीक है क्योंकि आपको आप आपको ऐसा लगा ही नहीं आप बार बार कोशिश करते हैं कन्फ्यूजन को दूर कर सकें एक दूसरे की ठीक है मतलब कि आप यहाँ पर आपको फिर कोई रास्ता नहीं मिला फिर आप दोबारा कंफ्यूज होकर लौटे दोबारा आपको कंफ्यूजन ही फेस करनी पड़ी मतलब कि आपको एक बात समझ में आई कि निकलना पड़ेगा हर हाल में अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस सिचुएशन सिचुएशन ये जो की तू है और अगर आपने चलो यहाँ पर आपने बिल फर्स्ट छह साल दे दिए अपने किसी ने चार साल दे दिए किसी ने तीन साल दे दिए लेकिन ये सिचुएशन नहीं बदल रही इस पर्सन का माइंडसेट नहीं बदल रहा आपको लेकर इस पर्सन के इस पर्सन का थॉट प्रोसेस नहीं बदल रहा ठीक है तो आपने सोचा कि खुद को चेंज करना पड़ेगा लास्ट कन्वर्सेशन के बाद आपके माइंड में ही बात आ आ ये बात आई है कि आप खुद को बदलना चाहिए और क्या बदलना चाहिए सिचुएशन को एंड करना चाहिए ठीक है कन्फ्यूजन ये ये कन्फ्यूजन तो एंड नहीं होने वाली पर्सन तो आपके आप मतलब कि आपके साथ बैलेंस नहीं बनाने वाला या आपके साथ कुछ जो आपके ड्रीम्स हैं जो आपकी मतलब कि जो आपका वेट है आपको एंड कर देना चाहिए आप लास्ट कन्वर्जेशन के बाद से डिटरमाइंड हुए आपको इस कहानी को खत्म कर देना चाहिए एक एंडिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ये एंडिंग हो चुकी है ये गम आपको मिल चुका है ये तकलीफ आपके हिस्से में थी आपको उस तकलीफ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उस टाइम से आपको ये सब समझ में आया क्योंकि आपने बेहद वेट कर लिया इंतजार कर लिया इन्वेस्ट कर लिया समझा के देख लिया हर पैतरा आजमा लिया हर तरीके से समझा लिया कि पर्सन आपकी आपकी बात को समझे आपके दिल को समझे फ्यूचर को समझे इस कनेक्शन को समझे लेकिन नहीं आपने लास्ट कन्वर्जेशन करके चाहे हर एनर्जी में गया हो लेकिन आपने भी बहुत ज्यादा सीरियस वे में इस सिचुएशन के बारे में सोचा और आपको हल ये मिला है इस कन्फ्यूजन को एंड करने का बस एक ही तरीका है सिचुएशन को एंड किया जाए और अपनी लाइफ में कुछ न्यू बेहतरी की तरफ या न्यू पर्सन की तरफ या न्यू एक्सप्लोर करना चाहिए कुछ ठीक है आपके माइंड में यह आया बहुत ज़्यादा सोचा आपने इस कनेक्शन को जो आपने अपने आप को डिटैच किया है डिसकनेक्ट किया है बहुत ज़्यादा सोच कर मतलब कि आप इससे ज़्यादा अपनी और आपको कुछ ऐसी बातें ही मिली होंगी और मतलब कि जिसने और आपको बैक स्टैपिंग और तकलीफ़ फील कराई होगी तो आपको एक बात समझ में आई एक रिलेशनशिप किसी को दिया जाता है तो प्यार के लिए दिया जाता है देखिए कोई भी कनेक्शन है ना आप किसी भी रिलेशनशिप को क्यों ऐड करते हो इवन कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आ रहा होता है क्योंकि हैप्पीनेस मिले ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम जब इनको जोड़ते हैं तो कुछ कंप्लीट होता है तो जैसे एक रिलेशनशिप में आपको किसी मेल या फीमेल की जरूरत होती है तो कोई चीज़ कंप्लीट होती है एक रिश्ता बनता है एक कंप्लीशन आता है आपकी लाइफ में तो इंसान किसी को यूँ जोड़ता है अपने साथ ताकि एक खुशियाँ एक्सपीरियंस कर सके ना कि कोई स्ट्रेस ना कि कोई नेगेटिविटी ना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग uh, ना कि कोई एक तवील ऐसी चीज़ें जो आपसे हाइड रहे हैं छुपी रहे हैं और आपके साथ मिसबिहेवियर पीछे से होता रहे बैक स्टैपिंग होती रहे तो आपने बहुत कुछ सोचा क्योंकि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया बहुत कुछ बेयर करा है इस में, बहुत कुछ संभाला है बहुत बार आपने इस को मौका दिया है तो जो जो चीज मुझे टाइम टू टाइम तकलीफ दे रही है जो चीज़ मुझे टाइम टाइम टू एक पेन में डाल रही है तो उसको खत्म देना खत्म हो जाने ही देना बेहतर है आप खत्म नहीं होने दे रहे थे आप होल्ड करे रखे थे, थे इस कनेक्शन को बार बार कोशिश करते थे एक न्यू बिगनिंग करने की बार बार आप कोशिश करते थे एक न्यू स्टार्ट करने की ठीक है टैन ऑफ पैंटिकल यहाँ पर आप अपने अल्टीमेटली आपको लगता है मतलब कि यहाँ पर जिस कनेक्शन में आप हैं जिस इस पर्सन से जो भी बात करी आपने आपको नहीं लगता है आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है आपको मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना है ठीक है आपकी विश है मैरिज और कमिटमेंट जिस तरीके का ये इस वक्त जो भी आपकी लास्ट बात हुई इतना वेट करने के बावजूद इतना इंतजार करने के बावजूद इतना इस रिश्ते को स्लो कर स्लो हो जाने के बावजूद के टाइम पे पर्सन सही हो जाएगा कुछ भी नहीं हुआ ये नहीं बदला ही नहीं क्योंकि आपका तो ड्रीम है मैरिज कमिटमेंट आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है आप फैमिली

तरीके से इस पर्सन ने कोल्ड बिहेवियर दिखाया आपको नॉट uh, इंटरेस्टेड शो करा तो आपको लास्ट टाइम ये बात समझ में आई आपकी है या यहाँ आपने रिश्ते से वॉक अवे करा ठीक है आपको लगा कि आपको अपनी लाइफ को आप ट्रैक पे लाना चाहिए सेलिब्रेशन आप डिजर्व करते हैं हैप्पीनेस आपका बर्थ राइट है तो आप जब जहां खुश नहीं है वहां से निकल जाना ही बेहतर है क्योंकि आपको चाहिए फैमिली आपको चाहिए खुशी ये तो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपको मैरिज और कमिटमेंट कैसे देगा ये तो मुंह पे भी बोल रहा होगा कि शादी करनी किसी और से कर लो तो आपको ये बात समझ में आ गई ठीक है कि सच में ऐसा कुछ नहीं चाहता तभी आपको मूव ऑन करना पड़ेगा ठीक है टाइम ऑफ एंड ऑफ कप्स आपकी विश है अल्टीमेटली फैमिली किड्स बच्चे लाइफ सेटलमेंट हैप्पीनेस रिस्पेक्ट ठीक है सोसाइटी 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 में एक्सेप्टेंस हो इस मैरिज की तो आपको लगा वो सब कुछ यानी मिलेगा ठीक है आपने डिस्कनेक्ट करा वॉक अवे करा क्योंकि अपनी खुशियों के लिए अपनी हैप्पीनेस के लिए ठीक है अपनी हाँ बिल्कुल एक डेप्थ अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना स्टार्ट करा आपने क्योंकि आपको हैप्पीनेस चाहिए ठीक है आपका बर्थ राइट है आपको ये बात पता है लेकिन आपने पास्ट में कंप्रोमाइज़ करा बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ के साथ अपनी खुशियों के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी सेल्फ स्टीम के साथ अपनी अपनी ख्वाहिशात के साथ ठीक है कौन नहीं चाहता किसी को प्यार मिले कौन नहीं चाहता किसी को रिस्पेक्ट ना मिले कौन चाहेगा कोई कहीं को कोई कहीं जलील हो रहा हो कोई कहीं बेजत हो रहा हो कोई कहीं किसी को बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा हो वो प्यार करता है शायद वो इसलिए वहाँ ठहरा है कि आज नहीं समझ रहा कल समझ जाएगा नहीं समझते ऐसे लोग ठीक है लो, बिल्कुल एक डेथ एंड रीबर्थ आपने एक न्यू बिगनिंग करी अपनी लाइफ में ठीक है उस लास्ट कन्वर्जेशन के बाद लास्ट कम्युनिकेशन के बाद बहुत कुछ क्लियर हुआ बहुत आपकी अवेकनिंग एक पीरियड चला आपकी अवेकनिंग हुई ठीक है आप कन्फ्यूजन से बाहर निकले आपको समझ में आए कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में जब एंड होगी जब आप इस कनेक्शन की एंडिंग को इस कनेक्शन ये कनेक्शन कभी था ही नहीं और ये खत्म हो चुका है जो भी था थोड़ा बहुत वो एंड हो चुका है उससे बाहर आप जब निकले आप मैंने बहुत सोच समझ कर आप आगे बढ़े ठीक है आप अपनी लाइफ में आगे लोगों को एक्सप्लोर करना लोगों को बात करना या कनेक्ट होना आपने माइंड करा ठीक है सेल्फ फोकस लग रहे हैं बहुत ज्यादा ऊपर आपका फोकस मुझे नजर आ रहा है ठीक है आप इस सिचुएशन से निकलकर अपने कैरियर पे फोकस करना अपने काम पे फोकस करना अपनी नॉर्मल लाइफ की लाइफ की तरफ फोकस करना आपका ड्रीम स्टेबिलिटी है फैमिली है मैरिज है कमिटमेंट है ठीक है आप कमिटमेंट को चाह रहे थे कम्युनिकेशन यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ठीक है फूल की एनर्जी यहाँ पे मतलब कि जो भी चीज़ें एक एंडिंग की तरफ गई उसके बाद आपने एक रिक्स टेकिंग करी आपको समझ में आ गया लास्ट जो भी आप लोग का मोमेंट लास्ट कन्वर्जेशन जो भी रही है आपकी आपको समझ में आ गया आपको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा ठीक है आपका फोकस अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़े आपने रिस्क टेकिंग करी एक चैप्टर क्लोज करा क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा था आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं है लास्ट कन्वर्जेशन लास्ट कम्युनिकेशन लास्ट मीटअप आपको ये क्लियर करके चला गया कि आप और टाइम भी इंतजार करेंगे आप इस पर्सन को कुछ नहीं कर पाएंगे ये पर्सन नहीं अपनी जगह से हिलने वाला आप इससे कमिटमेंट मैरिज की तरफ ये पर्सन इतना गार्डेड हुआ हुआ है कि आपको कुछ प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है ये हर चीज को मतलब कि आपको आपने बहुत से ऐसे सवाल करे होंगे जिससे आपको जवाब मिला नहीं कोई फ्यूचर नहीं है इसके साथ ठीक है और वेट करने का भी कोई फायदा नहीं है आपने इन सब चीजों को वाइंड अप किया क्योंकि आपका ड्रीम है मैरिज कमिटमेंट आप कब तक इस स्टकनेस में रहेंगे आपकी एक अवेकनिंग हुई है लास्ट कम्युनिकेशन के बाद आपको समझ में आपने आपने जहाँ इन्वेस्ट करा वहाँ आप गलत जगह खड़े हुए हैं ठीक है तो आपको बहुत कुछ समझ में आया आपने एंडिंग करी इस सिचुएशन की अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़े आपका फोकस अपना फाइनेंस अपनी स्टेबिलिटी मेंटल स्टेबिलिटी या अपनी एक आपकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आपने बहुत कुछ आ, सीखा भी है लेकिन आपने इस पर्सन से बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे आपके पास बहुत कुछ बोलना था आपने ठीक है जब अब, अब आप मेंटली मुझे काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं शायद उस

आपको नहीं लगा कि अब आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए आपने उस सर्किल को कंप्लीट कर दिया ठीक है जो आपके अंदर था आपने अपने अंदर रखकर उस सर्किल को एं, एंड कर दिया मतलब कि आपको लगा कि आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए साइलेंट हो गया आप एंड करके

उस पर्सन को अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना तो वो नहीं करना अगर उसको करना है, आपको लगा, इस ने इतना भी वो नहीं लव दिया इतना काइंड हार्टेड रहा उसने मेरे साथ क्या नहीं करा आपको लगा इसने कुछ नहीं सोचा कहने से पहले लास्ट टाइम आपको लगा आपकी इज्जत इसी में है आपकी रिस्पेक्ट इसी में आप साइलेंट हो जाए अपने आप को आप उस जगह इन्वेस्ट करें जहाँ आप को रिस्पेक्ट मिले ठीक है आपने साइकिल को क्लोज कर लिया इमोशनली काफी ज्यादा एक लॉस्ट एक नेगेटिव एनर्जी एक नेगेटिव टाइम फ्रेम से एक नेगेटिव सेन्फ्यूजन से आप गुजरे इमोशनली काफी ज्यादा लॉस्ट एनर्जी है आपके अंदर ठीक है हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी मतलब कि आपका एक हीलिंग फेज स्टार्ट हुआ ठीक है आपके अवेकनिंग की बात आपको समझ में आया नहीं आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? आपकी जगह वो नहीं है आपको अगर कुछ करना है तो हर इंसान जो भी कुछ करता है अपने लिए करता है आपको जो करना है वो अपने लिए करना है आप इस पर्सन के लिए कुछ कर कर भी कुछ कर नहीं सकते मतलब कि आप अगर इस पर्सन को कुछ भी दे देंगे ना ये पर्सन आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करेगा जिस तरीके से आप हैं ठीक है आप यहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जी आपने आपको आपको यहाँ पर समझ में आया सबसे ज्यादा आपको किसकी आप आपको इस वक्त अपने आप की जरूरत है आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया ठीक है और एक न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आप एक न्यू स्टार्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब कि आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक नजर आ रहा है लोगों के लिए उप...

उस जर्नी को क्लियर कर चुके थे ठीक है उसको नहीं करता था इतनी ए, बस ये हुआ कि आपका हार्ट चक्र कहीं मुझे ब्लॉक नजर आ रहा है आप लव के लिए ओपन अपनी दिख रहे ट्रस्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे है, आपके अंदर फीलिंग्स वो फीलिंग्स एक स्पार्क होता है और लोगों के लिए फीलिंग्स जो इंसान के अंदर होती है वो मतलब कि एक अदर जेंडर जब कनेक्ट होता है तो एक एक बबल टाइम होता है फीलिंग्स होती नहीं आपको फील नहीं हो रहा कुछ किसी से बात कर कर किसी को एक्सप्लोर भी कर कर या किसी और की तरफ मूवमेंट भी करें तो एक फीलिंग्स आपकी क्लो मतलब कि इमोशंस आपके क्लोज हो चुके हैं आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है पेन की वजह से हीलिंग की नीड है हीलिंग कर रहे हैं तो वैल एंड वरना आपको हीलिंग की नीड है हील करें ऐसे आप अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग तो कर लेंगे कभी लव के लिए आप ओपन अप नहीं हो सकेंगे ठीक है क्योंकि आपने बहुत से बहुत सी तकलीफ होल्ड बैक करी हुई है आपको हीलिंग जरूरी है आपकी लास्ट बहुत मतलब कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे के गई है लास्ट कम्युनिकेशन ने आप बहुत ज्यादा क्लियर करा है आपको ठीक है इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए यहाँ पर आपको पीस की जरूरत है ठीक है अपने आप को सुकून में लेकर आए वॉटर मैजिक यहाँ पे पानी ज्यादा पिया करें पानी वैसे ही बहुत अच्छा होता है पानी ज्यादा पीना चाहिए ठीक है सन एंड स्टार यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग एक न्यू स्टार्ट है और बहुत ज्यादा क्लियर कट स्टार्ट है पास में आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा इल्यूज रहे चीजें आपसे छुपाई गई चीज़ें को आपसे हाइट रखा गया बहुत से हिडन ट्रुथ थे यहाँ पर ठीक है प्लांट द सीड आप में एक सीड प्लांट uh, मतलब कि आपने एक एक पौधा लगा दिया है एक अपना अपना आपने अपने हिस्से का बीज लगा दिया है जैसे ऑनेस्टी का लॉयलिटी का अब वो आप वो पता है आपको कैसा फल देगा ठीक है हमारा हमारा जो काम है वो है बीज बोना ठीक है अच्छाई का बोए जो जो चीज कब होगी वही चीज मिलेगी ठीक है आपने एक बीज बो दिया है अपने हिस्से का आपने काम कर दिया है ठीक है अब वो ग्रोथ आपको मिलेगी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अब आपको फ्रूट मिलेगा ठीक है एयर मैजिक मतलब कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा खोए खोए और सोचे सोचे से नजर आ रहे हैं अफर्मेशन फॉर ग्रोथ अपनी ग्रोथ के लिए अफॉर्मेशन करें और अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए मेहनत करें आपको ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है ठीक है गिव लव लोगों को लव दें ठीक है हर कोई एक जैसा नहीं होता इस ये चीज सोच कर लोग अपने आप को चेंज मत करिएगा ठीक है अपने आप को मत बदलिएगा ठीक है टेयर्स एंड जॉय, स बहुत ज्यादा सैडनेस फील हुई आपको अकेलापन फील हुआ आपको लगा कि ये कभी भी नहीं समझेगा ठीक है यहाँ पे है क्लिनजिंग बॉडी एंड स्प्रिट आपको कहा जा रहा है क्लिनजिंग करें बॉडी स्प्रिट की और एक मतलब कि आप एक पॉजिटिव चीजों को सोचें प्रेयर्स एंड विशेष ठीक है आपकी प्रेयर्स और विशेष आपकी आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी हैं जो आपने प्रेयर्स करी हैं विश करी है वो चीज़ आपको बहुत ज्यादा आगे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा आपकी कोई विश ग्रांट आपकी विश पूरी हो रही है ठीक है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कम्पलीट होगी विश करते रहें डिवाइन से कनेक्टेड रहें ठीक है ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स डिवाइन को ग्रेटिट्यूड और थैंक्स थैंक्स शो करें मेडिटेशन फॉर फॉर क्रिएटिविटी ठीक है भाई हाँ मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी मेडिटेशन करें और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जो हुआ अच्छे के लिए हुआ जो होता अच्छे के लिए होता है कुछ और डिवाइन ने आपके लिए रखा होगा कुछ और बेहतर होगा लेकिन आपकी कोई विश है ठीक है कोई विश है और जो आपने करना था जिस हद तक आप कर सकते थे आपने अपना बीज बो दिया ठीक है मुझे एक बात समझ में आ रही है आपने एक बीज बो दिया अब अपने ऊपर काम करने का अपनी नेगेटिविटी